और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किस तरीके से बीजेपी के तो बड़े चेहरे थे, आपको बता दें, और खासतौर पर मंत्री हैं, उनके बिगड़े बोल राहुल गांधी को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे, जिस पर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें शिवसेना के एक नेता द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी को लेकर तब भी एक विवादित बयान दिया गया था, सेना के जो MLA हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि राहुल गांधी कि जीभ जो है, जबान जो है वो काटकर जो लाएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया है। आप देंगे यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे, देश भर पिट्टू को इतना डरो मत, पिट्टू जी आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। तो ये लाइव तस्वीरें, आपको बता दें कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस है उसके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, जो आपको बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उनके खिलाफ एक विवादित आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ही नहीं, बल्कि इससे पहले आपको बता दें सेना के एक विधायक द्वारा भी राहुल गांधी को अपशब्द कहा गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है।